वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। निजी क्षेत्र के यस बैंक को डूबने से बचाने के लिए सरकारी क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक जिस तरह आगे आया उससे यह उम्मीद बंधी है कि उसे बचा लिया जाएगा और लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। इस उम्मीद के बावजूद रिजर्व बैंक और साथ ही सरकार उन सवालों से बच नहीं सकती जिनसे वे दो चार हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि यस बैंक की हालत ठीक नहीं। समझना कठिन है कि इतने दिन तक किस बात का इंतज़ार किया जाता रहा। आखिर उसी समय कठोर कदम क्यों नहीं उठाए गए जिस समय इस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यदि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की सतर्कता के बावजूद ऐसी स्थिति बनी कि यस बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया तो इसका मतलब है कि बैंकिंग तंत्र की निगरानी सही तरह नहीं की जा रही है। इसका संकेत उस समय भी मिला था जब पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि इस घोटाले के तार यस बैंक से जुड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की ओर से चाहे जो दावे किए जाएं, यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि बैंकों का नियमन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि कोई बैंक अपनी बैलेंस शीट न तैयार करे और फिर भी वह कठोर कार्रवाई से बचा रहे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना सही हो सकता है कि यस बैंक की खस्ता हालात के लिए संप्रग सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि आखिर बीते 5.5 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। चूंकि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दूसरे दौर में है, इसलिए अब वह बैंकिंग तंत्र की नाकामी का दोष पुरानी सरकार पर मढ़कर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकती। इससे इनकार नहीं कि संप्रग शासन के समय बैंकों से जमकर खिलवाड़ किया गया, लेकिन आखिर क्या कारण है कि मोदी शासन के 5.5 साल के कार्यकाल में बैंकों की हालत सुधर नहीं सकी। यह कहना कठिन है कि बैंकों के विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। यह शुभ संकेत नहीं कि अधिकतर बैंक अभी भी NPA की समस्या से जूझ रहे हैं। चूंकि वे समस्या से ग्रस्त हैं, इसलिए कर्ज देने में भी हीला हवाली कर रहे हैं। एक ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की जा रही है, तब बैंकों की
वित्तीय सेहत को लेकर संदेह बरकरार रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हिमाचल प्रदेश पर प्रकृति खूब मेहरबान रही है। हरी भरी वादियाँ, कल कल करती नदियाँ, बर्फ से ढके पहाड़, स्वच्छ वातावरण हर किसी को आकर्षित करते हैं। नैसर्गिक सौंदर्य के कारण ही लाखों पर्यटक हिमाचल की वादियों में आते हैं। प्रकृति की अनमोल नेमतों के संरक्षण की योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन पर अनदेखी की धूल जमती जा रही है। अगर प्रकृति की इस देन पर ध्यान नहीं दिया तो यह जल्द ही लुप्त हो जाएगी। हिमाचल के आंचल में कई झीलें हैं, लेकिन अनदेखी के कारण उनमें गाद व गंदगी बढ़ती जा रही है। कई झीलों का आकार सिकुड़ रहा है, जबकि कई झीलों की गहराई भी कम होती जा रही है। इनमें प्रदूषण भी निरंतर बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इन झीलों में मछलियाँ भी मरती रही हैं। ऐसी स्थिति मंडी जिले की प्रसिद्ध रिवालसर झील में भी हुई थी। झील में बड़ी संख्या में मछलियाँ मर गई थीं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने भी झील की दुर्दशा के बाद राज्य सरकार को इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने को कहा था। झील को संवारने के लिए 1 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई सुधार नहीं दिखता है। झील में ऑक्सीजन की कमी होने से भी मछलियाँ मरती हैं। आस्था के कारण लोग मछलियों को आटा इत्यादि डालते हैं। अधिक आटा भी मछलियों की मौत का कारण बनता है। यहाँ पर मछलियों की तादाद बढ़ने पर इन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। मछलियों को भी स्थानांतरित करने में भी बजट की कमी आड़े आ रही है। चंबा जिले की प्रसिद्ध खजियार झील भी दुर्दशा की शिकार है। गाद के कारण झील का आकार निरंतर कम हो रहा है, लेकिन इस दिशा में अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। धर्मशाला स्थित डल झील की हालत भी सही नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद झील में पर्याप्त पानी नहीं ठहर पा रहा है। इन झीलों के सुंदरीकरण से सिर्फ पानी ही नहीं सहेजा जा सकेगा, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने में भी यह काफ़ी सहायक हैं। सरकार को चाहिए कि प्रकृति की इन अनमोल कृतियों के संरक्षण के प्रयास किए जाएं। उम्मीद है कि सरकार इनके संरक्षण के लिए कदम उठाएगी। झीलों के सुंदरीकरण से पर्यटन उद्योग बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। स्टॉप।